अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़े थे, एडॉप्टेशंस की बात कर रहे थे। आज हम बात करने जा रहे हैं एडॉप्टेशन ऑफ लिविंग थिंग्स टू डेली एंड ईयरली चेंजेस, कि जो डेली चेंजिंग्स आ रही हैं दिन और रात, ईयरली जो चेंजिंग्स आ रही हैं, वेदर चेंज हो रहे हैं, समर है, स्प्रिंग है, ऑटम, विंटर, तो उसमें वो किस तरह से एनिमल्स अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। जैसे हम ह्यूमन हैं, हम किस तरह से अडॉप्ट करें अपने आप को समर में, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है। अब ये बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रह रहा है तो रहे किस तरह से, समर्स में ये किस तरह से रह रहा है, हालांकि बाहर बहुत गर्मी है, 43, 47, 50 में टेम्परेचर चला जाता है, उसके बावजूद हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहता है। क्यों? क्योंकि हम गर्मियों में पानी ज्यादा से ज्यादा पीते हैं और स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हीट रिलीज होती है और टेम्परेचर 37 पे आ जाता है। इस तरह से विंटर्स है, विंटर्स में हवा ठंडी है, बाहर का वेदर कोल्ड है, 16 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री भी है, तो उसके बावजूद 37 डिग्री मेंटेन रहता है, तो वो भी इस तरह से कि हमें फैट्स की लेयर पाई जा रही है जो हीट प्रोड्यूस करती है, उसके अलावा गूस बम्स जो रोंगटे खड़े होते हैं उसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इस तरह से डिफरेंट एनिमल्स हैं, एनिमल्स नहीं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, प्लांट्स इवन के, वो भी डे एंड नाइट के लिए अडॉप्टेड होते हैं। दे आर आल्सो अडॉप्टेड टू डिफरेंट वेदर्स, कि जब कोई वेदर आएगा वो प्लांट तब रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर नेक्स्ट ग्रो करेंगे और अगला वेदर आने से पहले पहले उनके डाई हो जाएंगे। अब प्लांट्स की हम बात करें तो ये डेली चेंजिंग्स में किस तरह से अडॉप्टेड है, जैसे आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं डे टाइम में उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस आपको पता है ना, ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट की मदद से फूड तैयार करते हैं प्लांट्स, तो वो क्योंकि डे टाइम में सनलाइट है इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो डे टाइम में करते हैं, रात के टाइम उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। अब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस इस वजह से भी हो रही है क्योंकि इंसेक्ट्स हैं तो वो डे टाइम में पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेट कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप जो बेसिकली है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन का, पॉलिनेशन, आप इंसेक्ट है वो डे टाइम में पॉलिनेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है वो डे टाइम में कर रहे हैं, रात के टाइम प्लांट्स जो है ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करते हैं क्योंकि हमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है रात को, तो इस वजह से वो अडॉप्टेड होते हैं। उसके अलावा बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो डे टाइम में अडॉप्टेड होते हैं, उनमें वो रात को सोते हैं और डे टाइम में जो है वो अपने फूड वगैरह सर्च करते हैं या अपना जो है वो अडॉप्टेड होते हैं। अब कुछ एनिमल्स इंसेक्ट्स ऐसे हैं जैसे बैट है, आउल है, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, वो रात के टाइम एक्टिव होते हैं तो वो फिर सुबह वाले जो एक्टिव एनिमल्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करते, वो रात के टाइम अपने जो है वो लाइफ सर्कल्स चला रहे होते हैं, अपने फूड रात के टाइम ढूंढ रहे होते हैं, इस तरह से दे आर अडॉप्टेड। अब जैसे रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं वो भी सीजनल होते हैं, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग का क्या है, फ्रॉग है या लिजर्ड है या स्नेक्स है, अब इनका क्या होता है कि ये जब जो ही सर्दी गर्मियां आती है सर्दियां आती है तो सर्दियों में ही अपने आप को हाइबरनेट कर जाते हैं, ये बिल्स वगैरह में कहीं और छुप जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, और फिर जो ही समर सीजन आता है तो वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनके लिए समर सीजन सूटेबल होता है। जैसे फ्रॉग की ही बात करें, फ्रॉग क्या करता है कि विंटर में हाइबरनेट कर जाता है, जो ही स्प्रिंग सीजन आता है, समर सीजन आता है, बाहर निकलता है, अपने फूड वगैरह स्प्रिंग में ढूंढता है, फूड वगैरह सर्च करके अपने आप को ग्रो करवाता है, और फिर जो ही रेनी सीजन आता है तो तब फिर फ्रॉग जो है वो रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उसमें रेनी सीजन में होता है और जो ही रेनी सीजन के बाद बाकी जो मंथ्स हैं उनमें जो अपने न्यू वंस हैं, यंग वंस हैं जो रिप्रोड्यूस हुए हैं उनको भी ग्रो करवाता है और फिर विंटर में दोबारा हाइबरनेट कर जाता है। ये उसमें सीजनल चेंज आ रहा है कि सीजन के साथ साथ कि पहले वो स्प्रिंग में विंटर में हाइबरनेट किए, स्प्रिंग में बाहर आए, फूड तैयार की, रेनी सीजन मतलब फूड सर्च की, खाया पिया, रेनी सीजन में रिप्रोड्यूस किया, अगेन अपने यंग वंस को बाकी वंस में ग्रो करवाया एंड देन विंटर में अगेन वो हाइबरनेट कर गए। इस तरह से सर्टेन हमारे पास जैसे कैक्टस है, प्लांट्स जो कैक्टस प्लांट है, डेजर्ट प्लांट है, अब वहां पर भी यही होता है कि वो समर सीजन में रिप्रोड्यूस नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें स्प्रिंग सीजन जब आता है तब उसमें जो है वो सीड्स बनते हैं और सीड्स बन के फिर वो रिप्रोड्यूस करता है कैक्टस और फिर समर्स आने तक, नेक्स्ट समर्स आने तक वो डाई कर जाता है।
इस तरह से एनिमल्स ह्यूमन का, जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्वेटिंग के जरिए गर्मियों में हम ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक कर रहे हैं ताकि स्वेटिंग हो और फिर हमारी गर्मी दूर हो, हमारा टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए बॉडी का। इस तरह सर्दियों में हम गर्म फूड्स खाते हैं ज्यादा, पीनट वगैरह ले ली हमने, या हम एडॉप्टेड होते हैं सर्दियों में भी गर्मियों में भी। तो इस तरह से क्योंकि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारा यही होता है कि हम जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, 37 डिग्री ही रहता है, हम चेंज नहीं करते। तो नेक्स्ट ये थी हमारे पास लिविंग थिंग्स की एडॉप्टेशन के, वो किस तरह से जो है वो अडॉप्टेड होते हैं। इस तरह से फिश हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो भी इसी तरह से सेम पैटर्न फॉलो करते हैं कि वो स्प्रिंग सीजन में ग्रो करते हैं, हॉट समर्स या कोल्ड विंटर्स आने से पहले पहले जो नॉर्मल वेदर है, जो स्प्रिंग सीजन है, उसमें वो अपने आप को रिप्रोड्यूस और ग्रो करवा लेते हैं। तो इस तरह से जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, दे आर ऑल अडॉप्टेड टू द डेली एंड द ईयरली चेंजिंग्स, कंप्लीटली अडॉप्ट होते हैं, उनके साइकिल्स सेट हैं, और ये भी साइकिल्स इसी वजह से सेट हैं, नेचुरल है कि फूड चेन डिस्टर्ब ना हो एक्चुअली, कि अब इतने सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स जब सारे इकट्ठे एक ही सीजन में एक्टिव हो जाएंगे तो फिर उसका ये होगा कि फूड चेन डिस्टर्ब होगी, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के लिए जंग शुरू हो जाएगी, और जब रिसोर्सेज का यूज कम हो जाएगा तो उसकी वजह से फिर वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अल्लाह पाक ने ये जानवरों के अंदर, एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में, इवन प्लांट्स में भी ये रखा हुआ है कि वो अपने अपने स्पेसिफिक सीजन में, स्पेसिफिक टाइम में जो है वो ग्रो करें और रिप्रोड्यूस करें। दैट वाज ऑल अबाउट एडॉप्टेशन ऑफ लिविंग थिंग्स टू डेली एंड ईयरली चेंजिंग्स। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।